हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको बच्चा साइकिल चलाता है तो सावधान होने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, तो वो छोटी सी बात ही आगे जा कर के बहुत बड़ी हो सकती है या बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चे को साइकिल चलाने के लिए देते हैं, उसको साइकिल चलाने के लिए कहते हैं, तो प्लीज़ थोड़े से ट्रैफिक रूल्स हमें पहले ही उसको बचपन में ही सिखा देने चाहिए। कौन सी साइड पे साइकिल चलानी चाहिए, कब टर्न करना चाहिए, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर हम अपोजिट साइड में टर्न करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर मेन रोड पर साइकिल बच्चे चलाने आ रहा है तो क्या ट्रैफिक रूल उसको फॉलो करने हैं, पीछे से अगर कोई व्हीकल हॉर्न बजाता है तो क्या करना है, लेफ्ट टर्न करना है तो क्या करना है। तो थोड़े बहुत अगर हम उसको ट्रैफिक रूल सिखा देंगे तो फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी रोड के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे का एक तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, दूसरा बच्चे की गलती के कारण जो दूसरे लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं हमारे बच्चों के साथ में, वो चीज़ कम हो जाएगी। और यही बच्चे जब बड़े होकर के टू व्हीलर चलाएंगे, फोर व्हीलर चलाएंगे, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान रहेगा, चलाने का सिस्टम पता रहेगा, तो हमें ज़्यादा कुछ उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो बड़े भी होंगे तो टू व्हीलर फोर व्हीलर भी प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, और तब भी एक्सीडेंट होने जैसी समस्याओं से बहुत तरीके अच्छे तरीके से हमें निजात मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर आप साइकिल दे रहे हैं चलाने के लिए, तो प्लीज़ एक बार आप उनके साथ जाइए, उनको साइकिल चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बता दीजिए, ट्रैफिक रूल्स उनको फॉलो करना सिखा दीजिए, थोड़ा सा उनको बता दीजिए राइट हैंड राइट में टर्न करते हो कैसे देते हैं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट टर्न करते हो कैसे देते हैं, पीछे से अगर कोई हॉर्न बजाता है गाड़ी तो क्या करते हैं, कौन साइड हमें हमेशा चलानी चाहिए, अगर हमें चलते चलते टर्न करना है तो एकदम से टर्न ना करें बल्कि पीछे की तरफ देखिए कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, तेज़ी स्पीड में आ रहा है कि नहीं। अगर मेन रोड पर बच्चा जाता है या मेन रोड पर कभी हम उसको जा करके कोई चीज़ लाने को कहते हैं, या मेन रोड से चल करके वो मेन रोड से साइकिल चला करके कहीं और जाता है या स्कूल जाता है, तो प्लीज़ हमको थोड़े बहुत उसको तब भी बता दें कि मेन रोड पे क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, रेड लाइट वगैरह का क्या सिस्टम है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या सिस्टम है, किस साइड हमेशा चलाना चाहिए, जो डिवाइडर का कट आता है बीच में कब उसको वहाँ से टर्न लेने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कि फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम अगर उस बच्चे को थोड़ा सा बचपन से ही साइकिल चलाने का गाइडलाइन देते, थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स उसको समझा दें, तो वही चीज़ उसकी बचपन से आदत पड़ जाएगी, जो बड़ा होकर के वो टू व्हीलर भी चलाएगा, फोर व्हीलर भी चलाएगा, तो भी बहुत सावधानी से चलाएगा, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आए दिन जिन बच्चों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उस एक्सीडेंट में बच्चों के साथ साथ जिस जो व्यक्ति उनके साथ भिड़ता है उसकी भी बहुत लगती है, उस बच्चे की भी लगती है, और एक्सीडेंट होने की जो ये कवायफ है ये बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, टू व्हीलर भी चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तब भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते और तब भी एक्सीडेंट होने की बहुत सारे चांसेस बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बचपन में उनको ये चीज़ सिखा दें तो हम भी बहुत हद तक टेंशन फ्री हो जाएंगे, हमें पता रहेगा कि हमारा बच्चा सही रूल्स एंड रेगुलेशन से साइकिल चलाता है, तो सही रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम उसको टू व्हीलर देंगे तो भी वो सही चलाएगा, फोर व्हीलर देंगे तो वो ध्यान रखेगा। तो यही चीज़ छोटी सी से बड़ी बन जाएगी, यानी कि छोटी सी हमारी परवाह बड़ी लापरवाही से हम मुक्त हो जाएंगे, या बड़ी कोई टेंशन भविष्य में आ सकती है हम लोगों के साथ में तो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी इंतज़ार है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को बचपन से ही साइकिल चलाते वक्त एक दो घंटे आप उनके साथ एक बार साइकिल राइड कर लें, उनको बता दें, तरीके से समझा दें कैसे क्या करना है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत करा दें, स्पीड के बारे में अवगत करा दें, तो आप बहुत टेंशन फ्री होकर के बच्चों को साइकिल दे सकते हैं और बड़े होने पर भी उसको टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस टाइम। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोटिवेट होकर के मैं और भी अच्छी बातें आपको बताता रहूँ। अपने सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ते देख मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और मैं मोटिवेट होने के बाद में और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस टाइम।